जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें, आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएं। लेकिन जो पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव हो, वो ना मिले। हम ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। और देखिए, अगर कुछ भी नेगेटिव मिलता है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत जरूर दें। तो डियर, आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं, आप सब अच्छे जानते हैं कि ये है ईश्वर का संदेश, एंजेलिक गाइडेंस, कि ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपके लिए। लेकिन डियर, आज हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है? आज कोई पायल नहीं होगी, आज कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए होगी। जितने भी साइन है ना, सबके लिए। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सबके लिए होगी ये, ठीक है? तो आज आपको कोई पायल चूज नहीं करनी है, कोई झंझट नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था दी आप कलेक्टिव रीडिंग किया करिए। तो चलिए, आज हमने सोचा कि एंजेलिक गाइडेंस कलेक्टिव रीडिंग पर कर देते हैं। आपको पता है कि इस वीडियो को हम स्किप करने के लिए मना करते हैं। आप और वीडियो जो आपकी इच्छा हो, और वीडियो में आप जो भी प्रतिक्रिया दें, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये ईश्वर का संदेश है, ये एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए। इसमें बहुत सारे लोगों की सिचुएशन कंडीशन जरूर होती हैं, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करके देखते हैं कि जितने लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, किसी न किसी लाइन में उनके लिए कोई ना कोई गाइडेंस जरूर देना। अब हमें तो ये पर्सनली पता नहीं कि किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जैसा कि हम महसूस करते हैं, जो इंट्यूशन बोलती है, कुछ कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो उस हिसाब से हम आपको गॉड गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वीडियो स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। लंबी सी गहरी सांस लेनी है ऐसे, और आंखें बंद करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग में मेरे लिए कोई ना कोई संदेश जरूर दीजिए, जो मेरी वर्तमान समस्याएं हैं उनका समाधान दीजिए। और आप यकीन मानिए, आवाज तो हमारी होगी, शब्द तो हमारे होंगे, लेकिन इंट्यूशन उनके द्वारा ही भेजी गई होगी। और हम बहुत जल्द मेडिटेशन का वीडियो लाने वाले हैं। सब लोग बहुत समय से कह रहे हैं कि दी मेडिटेशन का वीडियो हमने वैसे तो बना रखा है, इस चैनल पर भी है, उस चैनल पर भी है, लेकिन हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, प्रॉमिस। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज करिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप पॉजिटिव हो रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए जो गॉड गाइडेंस है वो बताने से पहले हम आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। कंडीशन बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जो करंट एनर्जी है, आप लोगों की जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है और ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन हैं, होपलेस नहीं होने वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो होपलेस हो जाते हैं, लेकिन इधर हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। कुछ लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नई जगह जाना चाहते हैं, या यूँ कहिए कि कोई न्यू जॉब करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू ऑफर आया हुआ है ना, कुछ लोगों की ज़िंदगी में। और कुछ लोगों के पर्सन उन्हें छोड़कर चले गए हैं, वही रूड बिहेव, वही लड़ाई झगड़े, समझ रहे हैं?
कमिटमेंट ना देना, एक्शन ना लेना, वही सारी बातें। फैमिली रिश्ते के लिए एग्री नहीं है तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप बहुत रो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, इन समस्याओं का समाधान कैसे करूं। कुछ लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, तो यही सारी प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं सबकी। देखिए मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो वो जिनसे प्यार करते हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा है। इश्यूज़ कोई भी हो सकता है, फैमिली इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू और एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, कोई भी इशू हो सकता है। और ये तो प्यार हो गया, अब परिवार में मतभेद होते रहते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इस वजह से भी इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फाइनेंशियल इशू, करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, करियर में सफलता नहीं मिल रही है। हाँ, और कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं। तो डियर ट्विन सोल वालों, जो भी मस्कुलाइन को लेकर परेशान है वो परेशान मत होइए। हम आपने राधा कृष्ण जब स्टार्ट हुआ था वो सीरियल आपने देखा था? वैसे तो राधा एक फेमिनाइन एनर्जी है और कृष्ण एक मस्कुलाइन एनर्जी है। किन किन लोगों ने स्टार्टिंग में राधा कृष्ण जब स्टार्ट हुआ था तो देखा था? हम मतलब एक इजी वे में आपको समझाना चाहते हैं कि ट्विन सोल जर्नी एक्चुअली होती कैसी है। किसने किसने देखा था कमेंट करिए जल्दी से। स्टार्टिंग में जब राधा इस पृथ्वी पर आई थी तो मतलब वो सब कुछ भूल चुकी थी। राधा कृष्ण ट्विन सोल हैं, ध्यान रखना, शिव और शक्ति ही ट्विन सोल नहीं है, राधा और कृष्ण भी ट्विन सोल हैं। हम कहते हैं ना, हमने ग्रंथों को पढ़ा है और ग्रंथों से, पुराणों से, इनसे हमारा बहुत पुराना कनेक्शन है, बताएंगे कभी। तो राधा जब पृथ्वी पर आई थी तो सब कुछ भूल चुकी थी। ये लोग एक ट्विन सोल ही हैं, तभी तो इनकी शादी नहीं होती है। इनका यूनियन होता है आत्मा से आत्मा का, क्योंकि एक ही सोल है, बस वो शरीर अलग अलग रहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कृष्ण ने राधा से प्यार किया, शादी किसी और से की, वो बेवकूफ़ हैं, वो जानते ही नहीं कि राधा कृष्ण का रियल में रिश्ता क्या है। ट्विन से बहुत कम ही यूनियन होता है, समझ रहे हैं? और ट्विन से यूनियन करने के लिए शिव शक्ति जैसी साधना करनी पड़ती है। तो कृष्ण तो यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे, समझ रहे हैं? राधा यहाँ पर आई थी तो राधा जब आई तो सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि वो उस टाइम पे मस्कुलाइन एनर्जी में थी। आपने देखा था कृष्ण को कैसे इग्नोर करती थी, कैसे रूड हो जाती थी, कृष्ण को सब कुछ याद था। सेम ऐसा ही डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के साथ होता है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि फेमिनाइन जल्दी अवेक हो जाती है तो फेमिनाइन को सब कुछ याद रहता है, उसे लगता है कि देखो, तभी तो वो चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाती, तभी तो उसे अंदर ही अंदर मस्कुलाइन के लिए इतना प्यार उमड़ता है कि वो कैसा भी रूड बिहेव करे, वो कुछ भी बोले, भला बुरा कहे, इग्नोर करे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए कभी प्यार मरता नहीं है। उसके साथ आप कभी भी रूड बिहेव कर नहीं पाते, जो उससे रिश्ता है आप उसे कभी तोड़ नहीं पाते, चाहे कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना आ जाए आपकी ज़िंदगी में। ट्विन सोल का कनेक्शन ही ऐसा है, समझ रहे हैं आप? तो उसमें राधा कैसे बिहेव करती थी कृष्ण से जब तक वो अवेक नहीं हुई थी, किसने किसने देखा वो हमें बताना ज़रूर। राधा की जो अवेकनिंग हुई है ना, जब अघासुर उठा कर लेके गया था राधा को, तो जब राधा की अवेकनिंग हुई है तो किसी ने देखा है उनके सातों चक्र एक्टिवेट किए थे कृष्ण ने। उनके सातों चक्र जब एक्टिवेट हुए तो उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई थी, और तभी उन्हें अपना सोल पर्पस समझ में आया, तभी उन्हें याद आया कि ये वाकई ये कृष्ण है कौन, तब उन्हें वो सब कुछ पता चला। वरना एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण, वो प्यार राधा भी महसूस करती थी, लेकिन चिढ़ती थी कृष्ण से, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करते थे। तो डियर, जितने भी ट्विन सोल है ना, उनका रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है कि जब तक आपका मस्कुलाइन, अब हम कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई फेमिनाइन मेल बॉडी में ना हो, और ज़रूरी नहीं है कि कोई मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में ना हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो आपका मस्कुलाइन ये सब बिहेव तब तक करता रहेगा जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं होती, जब तक उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, जब तक वो अपना आध्यात्मिक विकास नहीं करता, अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ता, समझ रहे हैं? तब तक नहीं हो सकता ऐसा।
तब तक नहीं होगा। तो आपको समझना चाहिए, जो लोग रो रहे हैं ना, जो लोग रो रहे हैं मस्कुलाइन के इस रूड बिहेव से कि ये मतलब हमेशा चीट करता है, हमेशा फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, वो उसे खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। जब आप मूव ऑन करने लगेंगे तो तुरंत आपसे अटैच हो जाएगा, तुरंत प्यारी प्यारी बातें करने लगेगा, आपकी केयर करने लगेगा, और जैसे ही आप उससे अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे उसके वही रवैये फिर से हो जाते हैं, फिर से वो वही नाटक वही ड्रामे करने लगेगा, इग्नोर करने लगेगा। वो है ऐसा, वो है, जब भी आप दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वो पास आ जाएगा, और जब आप पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो दूर चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि ना आप दूर जाइए ना आप पास जाइए, कुछ भी मत करिए, आप कुछ भी मत करिए, बस आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते रहिए। आपका प्रोजेक्शन जब उस पर होगा, आपकी ध्यान साधना का असर जब उस पर होगा, तो थोड़ा बहुत बदलाव आएगा उसके अंदर। और हमने कहा ना, हमने देखिए कल भी बताया था कि बहुत सारे लोगों के मस्कुलाइंस की अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारे लोगों के मस्कुलाइन अवेक हो रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा अपने हायर सेल्फ से जुड़ने लगे हैं, वो थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझने लगे हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी कुछ है। तो घबराना नहीं है डियर डिवाइन फेमिनाइन, जो बहुत टेंशन ले रही हैं मस्कुलाइन के इस रूड रवैये से, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको? एंजल्स कहते हैं कि क्या जरूरी है कि अगर शादी नहीं होगी तो आपका प्यार खत्म हो जाएगा? जो लोग शादी के लिए मर रहे हैं, शादी एक सामाजिक बंधन है, समझ रहे हैं, जो समाज की रीति रिवाजों से जुड़ जाता है तो इंसान जबरदस्ती बंधा रहता है, लेकिन प्रेम कोई सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं होता, प्रेम परम स्वतंत्र होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी शादी कहीं और हो जाए या उसकी शादी कहीं और हो जाए तो प्रेम मर जाएगा, ये शारीरिक प्रेम है ही नहीं। आपने कभी अपने मस्कुलाइन के साथ ऐसा महसूस किया कि आप उसके साथ फिजिकली हो जाए, आप उसके साथ ये करें वो करें? कभी नहीं महसूस होता होगा। अन्य लोगों के लिए हमें नहीं पता, लेकिन मस्कुलाइन के लिए आप ऐसा फील करेंगे ही नहीं। उसके आसपास रहने से ना आपको बहुत स्पिरिचुअल वाइब आएगी। आपको जब आप उसके आसपास रहेंगे ना तो आपको बहुत सुकून सा महसूस होगा, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ तलाश पूरी हो गई, हाँ कुछ कंप्लीट हो रहा है मुझ में। वैसी फीलिंग नहीं आ सकती आपको उसके साथ, खुद के साथ वैसी फीलिंग कैसे आएगी? आप सोचिए, वो आपका ही तो हिस्सा है। अगर हम अपने दोनों हाथों की शादियां करा दें तो बताइए क्या इनमें कुछ वैसा फील होगा? प्रेम है ये, दोनों हाथ बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, लेकिन शादी करने के लिए तो किसी दूसरे इंसान का होना जरूरी है ना, कोई दूसरा होना जरूरी है कि कोई दूसरा हो, खुद से कोई शादी कैसे कर सकता है? आपको पता है कि अगर हम हिंदू धर्म में वेद शास्त्रों की बात करें और देवी देवताओं की बात करें तो शिव जी का कभी नहीं बताया जाता है कि वो इस अवतार में आए, वो उन्हें पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म ऐसे क्यों माना जाता है? क्योंकि अपने आप से यूनियन करना और अपने आप में ही समाहित हो जाना बहुत बड़ी बात है। देखते हैं, राम भी शिव को पूजते हैं, कृष्ण भी शिव को पूजते हैं, क्योंकि शिव तो शिव है ना, समझ रहे हैं, शिव तो फिर शिव ही है। हम ये नहीं कहते कि कोई छोटा कोई बड़ा, सब एक ही हैं, सब एक हैं, लेकिन शिव शक्ति होना बहुत बड़ी बात है। तो आप ये मत समझिए कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई, आपका प्यार शादी का मोहताज नहीं होना चाहिए। आप वास्तविक प्रेम को समझिए, वास्तविक प्रेम शादी हो जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, चाहे आप फिन सोल जर्नी में हो या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो। ये शादी के लिए मत मरा करिए प्लीज़। बहुत पता है, शादी से भी कई ऊपर, 100 गुना ऊपर बढ़कर प्रेम की उपाधि है। प्रेम का अस्तित्व शादी से कई गुना बढ़कर है। शादी उसके सामने बहुत छोटी चीज है। प्रेम स्वतंत्रता से जुड़ता है, जबरदस्ती नहीं, किसी बंधन से नहीं, समझ रहे हैं आप? तो प्लीज
जिनके मस्कुलाइन अभी रूड बिहेव कर रहे हैं या फिर जिनके मस्कुलाइन की शादी किसी और से हो रही है, वो तो होनी ही है। राधा की नहीं हुई थी क्या? अयन से हुई थी ना। तो क्या कृष्ण का प्रेम खत्म हो गया था? कृष्ण की शादी कितने लोगों से हुई, तो क्या राधा का प्रेम खत्म हो गया? अगर आप ट्विन सोल जर्नी को समझना चाहते हैं ना, तो डियर राधा कृष्ण के प्रेम को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। राधा कृष्ण के प्रेम को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, अब समझना। और अगर आप उस प्रेम को नहीं समझते, अगर आपको वैसा प्रेम नहीं चाहिए, आपको वो प्रेम पसंद नहीं है, कि पसंद ना पसंद की कोई बात नहीं होती इसमें, तो आप ये भूल जाइए कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। आप ऐसे ही एक कार्मिक जर्नी में हैं, आप सोलमेट जर्नी में हैं। कभी जेलेसी होती ही नहीं है, वो खुश रहे बस, उसकी खुशियां महत्वपूर्ण होती है। जेलेसी वेलेसी क्या बात है, क्या बकवास है ये। सोलमेट के साथ ऐसा होता है कि वो किसी और के साथ रहे तो जेलेसी होगी, सोलमेट किसी और के साथ कुछ करे तो जेलेसी होगी, पर ट्विन तो हमारा ही काउंटर पार्ट है। वो खुश होगा तो हमें खुशी मिलेगी, वो दुखी होगा तो हमें दुख होगा। बस डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन का दायित्व इतना है कि ये कहीं भी किसी के साथ भी बंधन में बंध जाए, लेकिन इनका पर्पस है स्प्रिट होना, इनका पर्पस है एक हो जाना। आप क्या वो फिजिकली होने को एक कहते हैं? वो एक नहीं होता है, वो एक नहीं होता है। अपने जब आप हायर सेल्फ से जुड़ेंगे ना, आपकी आत्मा जब उस परमात्मा में लीन हो जाती है। अब देखिए, अगर आप दोनों शादी कर लेते हैं, ट्विन सोल की शादियाँ हो गई, फिर बच्चे, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, फिर वो बंधन में बंध जाना, फिर वो आप कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो ये जन्म भी आपका बेकार गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कहीं और किसी के साथ जुड़ गया, उसकी शादी कहीं और हो गई, आपकी शादी कहीं और हो गई, हमने बहुत सारे ट्विन सोल के बारे में सुना है, कई सारे लोगों की पर्सनल रीडिंग की है, ट्विन सोल जर्नी में थे, यूँ समझिए भगवान करे ऐसा ना हो, ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन वो जहाँ शादी करते हैं ना, या तो वो बंदा उन्हें छोड़कर चला जाता है, लास्ट में इनका मिलन होता ही होता है, क्योंकि ईश्वर ने विधि का विधान ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है। लास्ट में ये मिलते ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? या तो वो बंदा छोड़कर चला जाएगा जिससे शादी हुई है, या तो वो एक्सपायर हो जाएगा, समझ रहे हैं? वो सिर्फ कुछ समय के लिए अपना एक रोल प्ले करने आता है कि भाई मैं इसलिए आया था, वो मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चला, इस तरह। या तो उधर कुछ हो जाएगा, मतलब आपकी शादी जिसके साथ हो जाती है ना, प्रेम आप उससे भी करेंगे, लेकिन वो जो ट्विन के लिए होता है वो आप किसी के लिए भी महसूस नहीं कर सकते। ये फिलहाल बहुत सारी बातें हुई ट्विन सोल को लेकर, कभी हम इनको तसल्ली से समझाएंगे, स्पेशली इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, तो डियर फेमिनाइन रोना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपका प्यार शादी के लिए मोहताज है, तो आपका प्यार प्यार नहीं है, अभी आपको प्यार को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? हम नहीं समझते उस, पता है प्रेम तो इतनी ऊंची चीज़ है कि प्रेमी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। हमें प्रेम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, हम प्रेम करते हैं तो बस करते हैं। क्या ज़रूरत है उसकी कि वो हमारे पास हो तभी हम उसे प्रेम करेंगे? वो क्या ज़रूरत है कि वो हमारे पास ही रहे? और ध्यान रखना, पास रहने से दूरियां बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों के जो झगड़े हो रहे हैं ना डेली डेली, उनको हम एक सजेशन देना चाहते हैं। आप ज़्यादा बात करेंगे ना तो फालतू की बातें होंगी, आप मतलब भर बात किया करिए। कुछ लोग होते हैं ना, दिन रात लगे रहते हैं, उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, तो फिर पता है क्या होता है, जितनी मिस्ट्री थी ना आपने बातें कर करके ख़त्म कर दी, अब वो इंसान आपको जान चुका, अब वो हो जाएगा आपसे बोर, समझ रहे हैं? वो कोई भी हो, मस्कुलाइन हो, सोलमेट हो, कोई भी हो, अब वो हो जाएगा आपसे बोर, और फिर वो दूसरा फ्लेवर देखेगा, समझ रहे हैं? इंसान की फितरत कैसी हो चुकी है, वो इंसान को इंसान नहीं समझता, वो इंसान को चीज समझता है, एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाता है कि अब हो गया। तो कोशिश करिए कि आप जिनके साथ भी रिश्ते में हैं उनसे कम से कम बात करें, ज़्यादा दिमाग ना खाएं, ना अपना खिलाएं, ना उनका खाएं, ठीक है? मतलब भर बात करिए, भोजन कर लिया, ठीक हो, क्या हाल चाल है, थोड़ी बहुत अच्छी बातें, बस। ज़्यादा बात करेंगे तो फालतू की बातें निकलती हैं और फिर उन फालतू की बातों से झगड़ा होता है। मतलब सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहने दीजिए खुद में, क्यों एक ही दिन में ख़त्म कर देना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो फिर शिकायत मत करिए कि भगवान ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कर दिया, कोई ऐसा नहीं करता, आपने खुद ऐसा किया है, ठीक है? आपने खुद ऐसा किया है,
तो जितने लोग भी सोलमेट जर्नी में है, ट्विन सोल जर्नी में है, ना शादी के मोहताज होइए, शादी के मोहताज मत होइए, और ना ही ज़्यादा बात करने के मोहताज बनिए। थोड़ी बातें करिए पर अच्छी बातें करिए, ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट बना रहे कि कब बात होगी, वो आपसे बात करने का इंतज़ार करे। आपके पास बहुत टाइम है अलग बात है, लेकिन आप बोले कि ज़्यादा बात मत करिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करती हूँ, ऐसे करिए। अगर आप ज़्यादा दिमाग खाएंगे ना, तो फिर वो समझ लेगा कि इसके पास बहुत फालतू टाइम है, और जितना जानना था वो जान लेगा आपके बारे में, जितना समझना था समझ लेगा आपके बारे में, बस मुक्त हो जाएगा वो आपसे, फिर उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर उसे कोई दूसरा इंसान चाहिए। इंसान की फितरत है मिस्ट्री में जाना, कुछ ना कुछ खोजते रहना, कुछ नया चाहिए हर पल, इंसान को कुछ नया चाहिए। तो अपने आप में डेली कुछ नया क्रिएट करिए। वही घिसी पिटी बातें रोज करेंगे ना, तो फिर रोना मत, ठीक है, फिर रोना मत। तो डियर फेमिनाइन और डियर सोलमेट जर्नी वालों, ये बात समझ गए ना आप? और ये हमारी तरफ से नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मत समझना ये हम बोल रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं जो आपके आसपास 24 घंटे आपके स्पिरिट गाइडर के रूप में रहते हैं। ये वो एनर्जीज हमारे थ्रू बोल रही हैं। हमारे पास इतने शब्द ही नहीं होते, हमने कभी बहुत सारे शब्दों का बोझ लादा ही नहीं है खुद पर, समझ रहे हैं? हमारी ज़िंदगी आप एक सन्यासी जैसी समझ सकते हैं। संसार में रहकर भी संसार से रहित होना, ये है हमारी ज़िंदगी। तो हमारे पास बहुत सारे शब्द नहीं है, ना हम किसी को सुनते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं, बस जो अंतरात्मा बोलती है, आँखें बंद करते और बोलते चले जाते हैं, और ये हम नहीं बोलते। आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिखाया जा रहा है, आप खुद से नहीं देख रहे हैं, इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि जो हमारे अंदर से बोल रहा है ना, वो कोई और है, समझ गए, वो कोई और है। किसी भी वजह से परेशान नहीं होना है। और जो लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं ना, किसी के साथ नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं या कोई न्यू बिजनेस, तो थोड़ा सा समय लीजिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, धोखा मिल सकता है आपको, प्लीज़ थोड़ा और समय, एक हफ्ते का और वेट करिए। एक हफ्ते बाद हम न्यू रीडिंग करेंगे गॉड गाइडेंस पर, तब हम बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी मत करिए। और कुछ लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कुछ लोगों को उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां, सुख समृद्धि आने वाली है, बहुत सारी सुख समृद्धि, समझ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से मोस्टली समस्याओं का समाधान होने ही वाला है। हम कह रहे हैं ना कि कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ रहे हैं, तो उनका यूनियन भी होने वाला है। यूनियन एनर्जी का होता है, शरीर का नहीं, समझ रहे हैं, यूनियन। तो बहुत जल्दी उनका यूनियन होने वाला है। और देखिए गॉड गाइडेंस स्पेशली कुछ लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब उनके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किस लिए? वही पास्ट की बातें सोच सोच कर रोना, इससे आप कुछ सही भी कर लेंगे, बल्कि अपना फ्यूचर भी आप बर्बाद कर लेंगे। जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, तब आप अपना प्रेजेंट तो ख़राब कर ही रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसे बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो आप उसे मैनिफेस्ट करेंगे और आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो एंजल्स कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि ज़्यादा मत सोचिए, आपके अंदर बहुत सारी बातों का भ्रम है, उन भ्रम से निकलिए और ज़िंदगी को सही तरीके से चलाइए। ज़िंदगी में एक संतुलन स्थापित करिए, एक बैलेंस बनाकर चलिए। आपकी ज़िंदगी टोटली इम्बैलेंस है, तो अपनी लाइफ को बैलेंस करिए, समझ रहे हैं? ना बहुत ज़्यादा सोचिए, ना बहुत कम सोचिए, उतना सोचिए जितनी ज़रूरत है। और किसी से भी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसने इतना कर लिया, मैं यहीं रह गया, वो है, आप हैं। हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है, कोई किसी के जैसा नहीं है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी क्वालिटियों को समझिए, आपके अंदर जो गुण दिया है परमात्मा ने, उसे समझिए, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। होपलेस कभी भी नहीं होना है। अगर आप होपलेस नहीं होते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं और ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी में संतुलन स्थापित करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और कुछ ट्विन सोल वालों के लिए एंजल्स कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रोजेक्शन टाइम चल रहा है, तो थोड़ा सोच समझ कर सोचिए, ठीक है, नेगेटिव मत सोचना, वरना उसका असर आपके मस्कुलाइन पर ज़रूर पड़ेगा।
और कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों का गला घोटकर समाज के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचिए, दूसरों को कोई मतलब नहीं है आपकी खुशियों से, दूसरों को मज़ा आता है सिर्फ आपको तकलीफ़ देने में। और अगर आप उन्हें मज़ा देना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो आप ऐसा सोचिए, दूसरों की परवाह बहुत कम किया करिए। दूसरे लोग जो होते हैं ना, इन्हें कभी सामने वालों की खुशियां रास नहीं आती हैं, कभी नहीं। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहिए और जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ये जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, इस बात को समझ लीजिए। बस होपलेस मत होइए, पॉजिटिव रहिए और सही समय का इंतज़ार करिए। अभी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत मत करिए, वरना उसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। जिनके मस्कुलाइन ने या फिर जिनके पर्सन ने अभी फ़िलहाल उनको धोखा दिया है, उसकी अकल बहुत जल्द ठिकाने लगेगी। थोड़ा तसल्ली रखिए, इंतज़ार करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है, किसी से तुलना नहीं करना है, किसी की कोई बराबरी नहीं है, समझ रहे हैं, कोई किसी से बराबरी नहीं कर सकता। वो है, हम हैं, उसका पर्पस कुछ और है, वो इस धरती पर कुछ और करने आया है, हम कुछ और करने आए हैं, तो हम उसके जैसे कैसे हो सकते हैं, वो हमारे जैसा कैसे हो सकता है, कोई किसी के जैसा नहीं है। तो आप किसी से तुलना मत करिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच कर रखा है। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं और आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब खराब कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है, ना कि ईश्वर का, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा कहते हैं और ये हमेशा कहते भी रहेंगे। अगर आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो दूसरों की परवाह नहीं करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करिए, अपने सुकून की परवाह करिए, आपको जहाँ सुकून मिलता है आप वो करिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।